साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, क्या सनसनीखेज मामला सामने आया। सभी लोगों की बेरहमी से हत्या की गई। यहां एक परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हुई हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। वहीं पीड़ित परिजनों से प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने मुलाकात की। शिवपाल यादव ने देवराजपुर में हुए सामूहिक हत्याकांड की निंदा की। इसी के साथ शिवपाल ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की भी मांग की और सीएम से परिवार को सरकारी नौकरी और सुरक्षा देने की भी मांग की। मांग कर रहे हैं ना, ऐसी घटनाएं फिर से न हो और जो घटना हुई उनका पर्दाफाश होना चाहिए। और जो फेबरे गांव में जो घटना हुई है जिसमें हम अभी आए हमारे सामने खड़े हैं, तो इस परिवार को सुरक्षा भी मिले, आर्थिक सहायता भी मिले और जो बेटी बची है तो उसका पढ़ाई लिखाई से इंतजाम होना चाहिए और सुनील को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है और यहाँ जाने के बाद हम मुख्यमंत्री को मिल करके ज्ञापन भी देंगे और मांग भी रखेंगे ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगे। अलीगढ़ में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल खबर चलने के बाद विधायक अनिल पराशर दीनदयाल हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैठा कर्मचारी नशे की हालत में मिला। वही निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी देखकर विधायक आक्रोशित हो गए। इससे पहले अस्पताल में गंदगी और डॉक्टरों के समय से ना पहुंचने की खबर को प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। अब इस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई है और लापरवाह कर्मचारियों पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। शासन के निर्देश पर और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे उपलब्ध हो, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मिले, गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मिले, इसके लिए आज दीनदयाल हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत कुछ यहाँ अच्छाई भी मिली और कुछ कमियां भी मिली। तो मैं निश्चित रूप से जो कमियां हैं उनकी ओर अंकित करने का फर्रुखाबाद के मोहल्ले में शराब ठेका खुलने पर नागरिक आक्रोशित देखा गया। मोहल्ले वासियों ने घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए। वहीं मोहल्ले के लोगों का कहना है कि गली में कोचिंग सेंटर चलता है, जहां पर गली में शराब का ठेका खुलने से बहन बेटियों को आने जाने में दिक्कत होती है। पूरी गली जमकर हंगामा किया गया। नागरिकों ने ठेका न खोलने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब भैया जी बहू पे बिटिया निकलती हैं, हम तो काम धाम कर नहीं पा, लड़का घर है ना रात, तो मतलब अब दिक्कत तो है ही। दिक्कत है, ठेका होना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम भैया हमारे घर पे मेरे हस्बैंड जी रहते नहीं, कंटिन्यू बाहर रहते हैं वो, और उसके बाद वो मतलब रात रात आते हैं और बच्चे को छोड़ने जाते हैं, लेने आते हैं, हमें बहुत दिक्कत है और आए दिन परेशान हम होंगे। और मेरे ही दरवाजे पे तंगा और बराबर सामने बैठ के परेशान हम लोगों करेंगे, क्योंकि हम ही फ्रंट पे रहते, बाकी तो कोई रहता नहीं है। यही चाहते हैं, मेरी लगातार यही गुजारिश है कि यहाँ पे ठेका हटना चाहिए। कहाँ पे घर है आपका? यहीं है, पास में, बिल्कुल बगल में। नहीं होगी, शराब का ठेका अच्छा होता है क्या? रोज सड़प्पा यहाँ बैठेंगे, रोज गाली गलौज करेंगे, महिलाएं ही रहती हैं, आदमी सब बाहर चले। अगर यहाँ से ठेका नहीं हटता है तो आप क्या करेंगी? फिर क्या करेंगे, रोज दंगा होएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, बिल्कुल होएगा। इसको हटा दो, ये मकान बेचेगा आपने पोस्टर, ये जो कोर्ट ये मकान बेचेगा आपने पोस्टर लगा रखे थे, अगर ठेका नहीं हटेगा तो आप इसके हाँ तो हम बेच दिए, मकान बेच के चली जाओगी, चले जाएंगे, इन लफंगड़े लाएंगे क्या? एक बात बताओ, हटा रहा सबको अभी। हो गया कि वहाँ पर शराब की दुकान जी, देसी शराब का ठेका जी जी उठा दिया जी, उसे मना किया, वो तो अपने लाले से ये लोग किराया अच्छा देते हैं जी जी, इस चक्कर में उठा दिया और पूरा वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी पब्लिक सब लोग परेशान हैं।
कितने दिन हो गए ये ठेका उठे हुए? अरे कल चालू किया था। आप लोगों ने कोई कोतवाली में या डीएम साहब को या डीएम साहब के आगे जी डीएम साहब को दिया है, कोतवाली में दी हुई है, चीफ मिनिस्टर को भी भेजा गया, कमिश्नर की मीटिंग कानपुर, एसडीएम थे ड्यूटी पे, एसडीएम ने लिया हम लोगों का सब पूरा, उन्होंने आबकारी वाले को लिख के दिया, आबकारी वाले तो खाऊ होते हैं, वो तो पैसे के लिए का वो आए, आपने इनसे पैसे लेके मतलब कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई। फरीदाबाद में एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले युवक पर लड़की को बहला फुसलाकर रेप करने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज हमें सूचना मिली कि हमारे इलाके कोई रहने वाली हमारी बेटी है, उसके साथ किसी ने उसके साथ कोई बच्चा लेकर दी, उसमें हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये रहने वाले कहाँ सर? ये जो बातें हैं ये सारी कंसील करनी पड़ती हैं हमें इस पर ला, बिकॉज कुछ फाउंडेशन है वो होती है हमारे पास में, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 58 में राजीव कॉलोनी के सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ब्लैक में घरेलू गैस सिलेंडर बेचने वालों पर छापेमारी की और मौके पर कई गैस सिलेंडर पकड़े गए, लेकिन सीएम फ्लाइंग का देखकर ब्लैक में सिलेंडर खरीदने वाले मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से स्थानीय लोगों की तरफ से एजेंसी के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आज सुबह ये रेड की थी, 8:08 बजे सीएम फ्लाइंग आई थी, जिसके साथ फूड एंड सप्लाई और पुलिस की टीम थी, जिन्होंने ये गैस की गाड़ी पकड़ी है महिंद्रा पिकअप, जिसमें 70 सिलेंडर थे, जिसमें 16 खाली थे और बाकी भरे हुए थे, उसको मौके से पकड़ा। इनका पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, ब्लैक मेलिंग करने लगे थे, ये अवैध रूप से बिक्री कर रहे थे बिना पर्ची के ही, वो ऑनलाइन को रिकॉर्ड नहीं होता था, बिना रिकॉर्ड के इनकी सेल कर रहे थे। अब क्या कुछ जो है कार्रवाई की गई है इसमें? फूड एंड सप्लाई ने अपनी तहरीर दी है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कितने रुपए का जो है सिलेंडर बेचने का काम करते थे, कुछ जानकारी है? जिसमें तहरीर में बेचने का पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अलीगढ़ में स्कूल संचालक फीस में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ ही किया जाता है। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए खराब वाहनों का प्रयोग किया जाता है और ये वाहन बच्चों के जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि वाहनों का रजिस्ट्रेशन तक खत्म हो चुका है, ऐसे में वाहनों में बच्चों को ले जाना खतरे से खाली नहीं है। आरोप ये भी है कि स्कूल संचालक थोड़ा सा मुनाफा के चक्कर में बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन का भी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बस से उतारो, आज क्यों नहीं आई बस? आज वो मतलब कि कुछ खराब हो गई होगी तो सर, मतलब कि ऐसे कैसे इसमें चलेगा? कितने बच्चे आते हैं स्कूल के आपके गांव में? हमारे 8 आते हैं। 8 बच्चे हैं। क्या 6 कमलेश कुमार और शायद से मांगी परिणति का प्रवक्ता श्रीमिताभ चतुर्वेदी की संयुक्त टीम सड़क पर चलने वाले सभी स्कूल बसों की जांच भी कर रही है और यदि किसी बस में कोई कमी पाई जाती तो उसके विरुद्ध चालान की कार्रवाई भी की जा रही है और इन त्रुटियों का निराकरण कराया जा रहा है। लखीमपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं के एक गुट की ओर से विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं का ब्रेन वॉश करते हुए विद्यालय की छत पर ले जाकर छात्राओं को कैद कर लिया गया। विद्यालय को 3 दिन के लिए बंद करवा दिया गया। साथ जिलाधिकारी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। शिक्षिकाओं की गुटबाजी काफी समय से चलती आ रही है। जो विधिक कार्रवाई की जानी है, जो भी नियम संगत कार्रवाई की जानी है, वो सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और बच्चों को हित शासन के मंशानुरूप सर्वोपरि है और उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़ी वो कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के इंद्रपुरम थाना क्षेत्र के कनावनी नहर के पास 14 अप्रैल को युवती का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई थी। सीओ अभय कुमार ने बताया कि युवती का शव मिलने के बाद पुलिस सर्विलांस की मदद से बिहार निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी कनावनी गांव में युवती के घर के पास रहता था। दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ और युवती गर्भवती हो गई, जिसके बाद युवती ने युवक पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसी दबाव में आकर युवक ने युवती की हत्या कर शव को कनावनी नहर के पास फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अब
गिरफ्तार कर लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक सूचना आई थी कि एक युवती की लाश पड़ी हुई है, उस पर तत्काल मौके पर पुलिस टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी, और फिर घटना के अनावरण की टीम लगाई गई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस का विश्लेषण करने के बाद ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जो इसी के गांव के आसपास का रहने वाला है बिहार का, वो कनौनी में भी इनके घर के आस ही पास रहता था, उससे इसका 4-5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें ये युवती प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद से उसके द्वारा लगातार शादी का दबाव बनाया जा रहा था, इस कारण से इसने इस युवती की हत्या कर दी थी। उसके बाद ये फरार हो गया था। पुलिस टीम के द्वारा इसे पकड़ा गया है, गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के सत्ता में फिर से आसीन होने के बाद सभी विभागों के मंत्रियों को 100 दिन के विकास का खाका तैयार करने का निर्देश दिया गया था। उसी क्रम में आज कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मत्स्य निदेशालय विभाग के मंडल और जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा, मत्स्य विभाग मंत्रालय अब लंबे समय से अवैध तरीके से कब्जा करके धन उगाही कर रहे माफिया गुटों पर सख्ती करने की तैयारी में है। महाराजा गुराज निषाद बोट योजना है, जिसमें बोट पर है और बीच पर है, ऐसे में इन मत्स्य पालकों को जो कोई भी धर्म किसी भी बिरादरी का हो उसको इसमें सहयोग राशि दी जाती, सामान्य को 40% है और एससी एसटी को और महिला के लिए और दिव्यांग के लिए उसमें 60% दिया गया है। और इसी योजनाओं को धरातल पर, चूँकि जो मंत्रालय अब तक दिल्ली का जो मंत्रालय था वो मत्स्य मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अधीन था, और 2 साल पहले माननीय मोदी जी और मिश्रा जी के निर्देशन पर डॉक्टर संजय और हम लोगों के जो एसोसिएशन थे उसके डिमांड पर उस मंत्रालय को अलग किया, 20,000 करोड़ रुपये अलग से दिए गए, उस धरातल पर पहुँच जाएँ। क्योंकि राज्य सरकार के भी उसमें 40% राजांश अंक होता है, तो राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस दिल्ली के उस दोनों मिलके इस योजनाओं का लाभ जमीन स्तर पर, इस पे उत्तर प्रदेश को भी मंत्रालय को, पहले मंत्रालय नहीं था ये विभाग था, इस विभाग को कंट्रोल करने के लिए कैबिनेट का दर्जा दिया गया, कैबिनेट मंत्रालय बनाएगा। और सबसे पहले मैं सौभाग्यशाली हूँ, अपने को गौरवान्वित हूँ कि जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था कि जीवन में सुधार हो जाए उनके जीवन यापन में और वो भी उन विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएं, तो इस मंत्रालय का कार्यभार हमें मिला है। हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमें जिम्मेदारी दी गई उसे पूरा करूंगा। मंत्री संजय निषाद जी, सर आज यहाँ बैठक की गई है, क्या मुद्दे पर चर्चा हुई और 100 दिन का जो खाका तैयार किया उसमें क्या काम किए जाएंगे? निश्चित रूप से रेंचिंग की जाएगी और हमारे जलाशयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, हेक्टेयर कई 750 हेक्टेयर में नर्सरी लगाया जाएगा, मृदा परीक्षण किया जाएगा और इसको उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, जो अनुदान है उसे लाभार्थी तक पहुँचाइए, हमारा उसी लिए आज विभाग की बैठक हुई है और विभाग के विभागीय अधिकारियों की भी कुछ समस्याएं थी उसको सुनना हमारा धर्म बनता है, उसे शासन स्तर पर निपटारे के लिए भेजा जाएगा। मत्स्य पालकों की जो समस्या है उसने उन्हें बताया और अनुदान मिलने में जो दिक्कतें बताया उसे दुरुस्त की नीतियों में कुछ बदलाव करने के लिए बताया और कुछ इस टारगेट दिया जाएगा कि हम लोग मंत्री लोग अब 3 दिन रहेंगे क्षेत्रों में तो आप लोग अपडेट करके अपने विभाग को उस समस्याओं के समाधान के लिए। तो मैं गाँव में तालाब हुआ करता था, आजकल उसकी संख्या कम हो गई, क्या उसके विकास के क्षेत्र में कुछ काम किया जाएगा? निश्चित रूप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस पर जो लोगों के कब्जे हैं उसे हटाए जाएंगे और जो भी वो दूसरे विभाग का काम है उसे लिखा जाएगा और उसके सुंदरीकरण के लिए उस पर खर्च करने के लिए शासन को लिखकर उस पर बजट खर्च करके उसको पहले जैसे बनाया जाएगा। तो हमारे साथ मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मछली पालन विभाग को उत्तम बनाने के लिए हर एक भरसक प्रयास किया जाएगा, साथ ही साथ गांव में जो पहले तालाब हुआ करते उनके विकास के क्षेत्र में भी काम किए जाएंगे। कैमरामैन शुभम के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।